नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। देख लेते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज आपके लिए क्या है इस वक्त, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के द्वारा। देखते हैं, देख लिए, मेरे पास बहुत सारे मैसेज ये भी आते हैं पर्सनल मैसेज, जैसे कि मैं आपको नंबर देती हूँ तो बहुत से जन अपनी अपनी प्रॉब्लम को लिख के भेज देते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्रॉब्लम तब तक आती है इंसान के जीवन में जब तक हम उसे बुलाते हैं। अगर मानो हमने कुछ चीज़ काफ़ी देर तक पकड़ के रखी है तो वो हमारे हाथ को फिर हमारे पूरी बॉडी को पेन दे देगी। ठीक इसी तरह से ज़्यादा देर तक कोई भी बात सोचने से आपके जीवन में दिक्कतें ही आएंगी, तो क्यों ना उनको छोड़ दिया जाए। कोई भी है, अगर आप रिलेशनशिप के लिए लगा लो कि कितने परेशान रहते हो आप इस रिलेशनशिप के लिए, जानना चाहते हो ये इंसान क्या कर रहा है, जानना चाहते हो ये इंसान आपसे बात करता है, जानना चाहते हो ये इंसान किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं जजमेंट कार्ड रिवर्स आया है और ये इंसान अभी किसी बड़े इंसान की सुन रहा है जो इससे एज में बड़ा है। ठीक है, हर्मिट कार्ड ये रिवर्स आया है, यानी कि ये और आप अभी तक काफ़ी दिन तक इस हर्मिट एनर्जी में आप रहे हो। ठीक है, इनसे धीरे धीरे करके ये इंसान जो है बाहर आ रहा है इन चीज़ों से और जजमेंट की एनर्जी आई है। हो सकता है ये इंसान अभी किसी से बात बात करना ना चाहता हो, ठीक है, ये अभी ज़्यादा घुलना मिलना ना चाहता हो हर किसी के साथ, या पुराने लोगों से ये थोड़ा अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहा है जिस इंसान के बारे में अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, इस इंसान का और आपका एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, ये इंसान आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में देखता है, आपके अंदर सच्चाई देखता है, एक एंजल के रूप में आपको ये इंसान देखता है। ठीक है, ये इंसान आपके अंदर बहुत सारी खूबियां देखता है, बहुत ज़्यादा ये इंसान कहते हैं ना कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर ये इंसान पूरी तरीके से महसूस कर पाता है। ये इंसान आपके आगे जो है बिल्कुल चुप हो जाता है, सब कुछ कहने के लिए ये इंसान आता है, अपनी कुछ बातें शेयर करने के लिए आता है, जैसे ही आपके पास आके बहुत कुछ जो है छुपा लेता है, ये बोल नहीं पाता उन चीज़ों को, ये भी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही बोलते हो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, आप उतना ना बोलो, इतना अपना बड़प्पन ना दिखाओ तो बात ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि इसके मन की भी सुनो आप थोड़ा सा। ठीक है, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है ये भी सुनोगे तो ये अपनी बात आपके पास रख पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंसान बहुत नॉलेज वाला है, बहुत ज़्यादा ज्ञान इस इंसान के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जैसे कि आप जानते ही हैं, और इस इंसान के अंदर बहुत जज्बा है कि कुछ कर दिखाने का, और जो ये इंसान ठान लेता है आपका इंसान वो ये काम करके रहता है। ठीक है, इसे फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने परिवार से अलग होना पड़े, या फिर अपनी मदर की ना माने, ये सबसे ज़्यादा प्यार ये अपनी मम्मी से करता है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हेरोफेंड और सन कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये तो सबसे ज़्यादा ये अपनी मम्मी की सुनता है, लेकिन अपने काम के चक्कर में ये इंसान जो है किसी की ना सुने, क्योंकि यहाँ पर लाइफ पर्पस का कार्ड आया है, दोनों मिलके यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के विचार इस वक्त ये हो सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ काम अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कुछ लोग। ठीक है, ये दोनों दो चाबियां हैं जो एक हो रही है। ठीक है, ग्रोथ करना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा ट्विन जब मुझे मिला है तो हम कुछ अच्छा कर पाए इस धरती के लिए, इस यूनिवर्स की बहुत सारी शक्तियों के साथ हम काम कर पाएँ। काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन ये विचार में रहती हैं, ये सपने में रहती हैं कि हम बहुत कुछ कर देंगे, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, या मेरा ये पार्टनर जो है मेरे को बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी इसके पास आने से या इससे बात करने से। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ ऐसा सिर्फ विचार है आप लोगों के। ठीक है, शक्तियाँ आपको तब ही मिलेंगी, जो शक्तियाँ हैं ये तब ही मिलेंगी आप दोनों को जब आप इस सही एनर्जी में आएंगे, हर्मिट एनर्जी में जब आप आएंगे,
ये रिवर्स आने का यही मतलब है, क्योंकि अभी तक तो आप जो है इस अकेलेपन से बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे, ठीक है, और अंदर जाके काम भी नहीं करना चाह रहे थे अपने अंदर जाके। यही एनर्जी आ रही है इसकी। अगर आप अंदर जाके काम करना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना चाहते हैं, तब जाके ये शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। ऐसे आप जब सपने देख रहे हो ये वाले, ठीक है, कि ये इंसान और आप एक होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपके जीवन में आएगी। वो तो आती ही है, ठीक है, वो ग्रोथ तो आपको दी ही जाती है इसी, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही इतना अच्छा होता है कि इतना प्यार इसमें होता है, एक एंडिंग हो जाती है प्यार की, कि हाँ भाई इसके आगे कोई प्यार नहीं चाहिए, इसके आगे कहीं जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बंध लग जाता है इंसान के रिलेशनशिप में। अगर डिवाइन मैस्कुलिन भाग रहा है तो भागने दो, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन का अपना काम शुरू हो जाता है, अपनी जर्नी को पहचानने के लिए वो भागना शुरू कर देते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को जो है कभी चूज ही नहीं करता वो, ठीक है। तो इसलिए ये कार्ड आपको बता रहा है कि प्यार तो आप लोगों का बहुत मजबूत है, बेशक ये इस इंसान को और आपका मुंह अलग अलग है, उससे कोई, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है अगर डरते हैं रिलेशनशिप को खोने से, इस इंसान को खोने से, तो ये आपका जो है भगवान आपको कह रहे हैं कि जितनी जल्दी इस डर को बाहर निकालेंगे, उतनी ही जल्दी ये इंसान आपके पास आएगा, क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड, जिसमें ये इंसान काफी दूर रहते हुए भी ये चाहता है कि आपसे मिल ले, आपसे बातें कर ले। फूल का कार्ड है यहाँ पे, ये एक हाथ है जो आपको दे रहा है, फूल देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो काफी अच्छी ऊर्जा आई है आज की निकल के आपके पार्टनर की। देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में एंजल्स क्या कहना चाहती हैं, और इस इंसान की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। विचार ना बनाए, धारणा ना बनाए कि ये इतना अच्छा है मेरे लिए, मैं ये कर लूँगी जीवन में, वो कर लूँगी। करना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है, अच्छे काम तो आपको ही करने हैं। इतनी जल्दी कोई जादूगर थोड़ी हो आप लोग की कुछ भी कर लोगे। ये ऐसा मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया है, और जिन जिन के विचार हैं तो बता देना मुझे, सोचते तो जरूर हो आप ये सब। तभी है इस इंसान की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इस इंसान की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। इस इंसान की करंट फीलिंग ये है कि इस इंसान के जीवन में काफी ज्यादा भूचाल आया हुआ है, काफी ज्यादा ये इंसान अपने आप को सोच रहा है कि कैसे एनर्जीज को बैलेंस करूं, कैसे आपके और अपने बीच में वो तालमेल बिठा पाऊं जिससे ये दिक्कतें आनी बंद हो जाएं। ये इंसान बहुत ज़्यादा, और आप एक दूसरे से अलग, तो जैसे कि आप एक मिनट भी रहना ही नहीं चाहते हो, चाहे ये इंसान के अंदर कितनी भी बुराइयां हैं, कितना भी, वही चीज़ आ रही है, एकदम वही चीज़ निकल के आ रही है कि आप दोनों की जो करंट फीलिंग ये है कि ना ही एक दूसरे से अलग रहना चाहते हो, ना ही एक दूसरे को खोना चाहते हो, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते। एस ऑफ सॉर्ड आपको बता रहा है कि इस इंसान की करंट फीलिंग ये है कि दोनों की एनर्जी यही आई है निकल के, ठीक है, ठीक है। आपके अंदर इसको खोने का डर है, और इसके अंदर आपसे अलग होने का डर है, भाई मैं अलग नहीं रह सकता, थर्ड पार्टी भी चाहिए मुझे, डिवाइन फेमिनाइन भी चाहिए, ठीक है, और आपको ये कि ये मुझे छोड़ना दे। तो वही एनर्जी एस ऑफ सोर्ड आया निकल के, आप थर्ड पार्टी के साथ भी रहने के लिए इसके साथ तैयार हो, ठीक है, थर्ड पार्टी भी है और मैं भी हूँ साथ में, ये ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। वो ऊर्जा, एकदम वो ऊर्जा जाग रही है अंदर से, ये वाली एनर्जी। एंजल का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, एंजल का मैसेज क्या है। एंजल का मैसेज ये है कि जब तक आप ये बहुत सारे जो काम में व्यस्त हैं आप, जब तक आप इनमें व्यस्त रहेंगे तो एंजल्स आपको मैसेज नहीं देंगे। एंजल से गाइडेंस इस वक्त मांगो आप, आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी थर्ड आई चक्रा काफी लोगों का
ओपन है काफी जनों का, आपको एकदम इंट्यूशन होगी किसी ना किसी बात की। स्टार कार्ड एंजल्स का मैसेज आपके लिए ये है कि देखिए आपको कहीं जाना भी है शायद, ये जो कार्ड है आपके लिए ये भी मैसेज दे रहा है कि थोड़ी सी तकलीफ के बाद आपको लगेगा कि एंजल आपका साथ दे रहे हैं। पहले एक थोड़ी सी तकलीफें झेलनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पता लगेगा, कोई मैसेज मिलेगा कि हाँ अरे एंजल्स तो मेरे साथ हैं, वो अनुभव होगा आपको। ये देखिए कार्ड आया है, ये एंजल का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, रीडिंग को एंजॉय करो, और जैसे कि मैं बता रही थी कि धारणा ना बनाया करो किसी के लिए भी, कोई भी है, चाहे यहाँ पे कुछ लोग नए जुड़े हैं, ये मैसेज उनके लिए भी है कि उनका डिवाइन मैस्कुलिन बहुत जल्दी जो है बात बात होने वाली है उनसे, ऐसा कार्ड बता रहे हैं आपके। एस ऑफ सोर्ड रिवर्स आया है, तो हो सकता है कल का सारा दिन चला जाए, ये परसों आ जाए, या फिर कल के दिन ही ऐसा हो सकता है, बहुत से जन के साथ ऐसा हो सकता है। टाइम की बात करूँ मैं, अगर टाइम मुझे दिखेगा तो मैं बता दूंगी, पर टाइम तो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये शाम के आसपास ही होगा। ठीक है, कल का दिन है तो शाम के आसपास ही होगा। तो ये मैसेज था आपका, क्लेम करें और शेयर करें रीडिंग को। रीडिंग के लिए अगर बुक करना चाहते हैं तो मेरा 8570878744 9 पे आप मुझे रीडिंग बुक कर सकते हैं। नमस्ते।